कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। हरे कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सभी को नमस्कार। जय गुरु दत्ता, श्री गुरु दत्ता। तो शुरू करते हैं आज। आज हम देखेंगे कि रिजल्ट ऑफ वीनस इन वेरियस जोडियक साइन, वीनस का अलग अलग जोडियक साइन, एस्ट्रोलॉजिकल साइन में क्या हमें प्रेडिक्शन, क्या रिजल्ट, क्या रिस्पॉन्स या क्या मिलता है। सो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे सबको पहले बता रखा है कि नंबर वन हाउस ये है, तो ये एरिस होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम एक नंबर पुट कर देते हैं सब में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो वन होता है एरिस, ठीक है। तो क्या होगा जब देर इज एरिस, यू कैन ऑल्सो से वीनस इन एरिस, वीनस जब एरिस में होगा तो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसा पर्सन होता है वो ट्रैवलिंग लाइक करता है, म्यूज़िक लाइक करता है, आर्ट्स पसंद है, क्रिश्चियन पसंद है, अपोजिट सेक्स मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनको पसंद है, चैरिटेबल होते हैं, जनरस होते हैं, इनके शायद जल्दी मैरिज भी हो जाएगा। जल्दी नहीं होती तो उसके लिए 7th, 12th, 10th, 5th, 9th देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर यही वीनस अफ्लिक्टेड होता है, सही पोजिशन नहीं होता है, तो ये हेस्टी लव होता है, पैथी मिलती है, लव एट फर्स्ट सेट हो जाता है, फिर पछताते हैं, पैशनेट भी होते हैं, इनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है लव अफेयर्स में, ठीक है, और इनको खाज खुजली भी हो सकती है। अब मान लो कि अगर वीनस इन द सेकेंड, अगर सेकेंड हाउस या वीनस इन द टॉरस होगा तो क्या होगा। तो जब वीनस इन टॉरस होगा तो ये कह सकते हैं कि हैंडसम होगा, रूडी होगा, थोड़ा सा ये सेक्स और लव में डल रहता होगा, किस्मत वाला होता होगा, थोड़ा टेम्पर इसका जल्दी ख़राब हो जाता होगा, प्यार में लगा रहता होगा और मैरिज सही रहती है इनकी। व्हीकल मतलब को बहुत ट्रांसपोर्ट, बहुत गाड़ियाँ पसंद है, बिजनेस करना पसंद है। अगर सही नहीं है, अफ्लिक्टेड है, तो इनकी मैरिज अच्छी नहीं चलती है, ठीक है। अनफेथफुल होते हैं लव में, फाइनेंस में सही नहीं होते। अब मान लो कि मान लो वीनस आ जाता है थर्ड में, जो कि जेमिनी है, तो इसमें कह सकते हैं कि ये टाउन्स में लिबरल होते हैं, फेमस होते हैं, ये दूसरे जगह ट्रैवल करना पसंद होता है, इनको राइटिंग का शौक होता है, इनकी 1 से 2-3 वाइफ भी हो सकती है, ये रिस्पेक्टफुल भी होते हैं, इनके अच्छे दोस्त भी होते हैं, फ्लर्टिंग नेचर भी होता है इनका, ठीक है, और काफ़ी प्रॉफिट मिलता है इनको घूमने उमने से, एजुकेशन और राइटिंग की सही रहती है। अगर फिर अफ्लिक्टेड होता है तो फिकल माइंड के होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, डिफिकल्टी लव होता है, मैरिज सही नहीं चलता, डोमेस्टिक लाइफ सही नहीं होता, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, 2-3 लव हो जाता है इनका, ठीक है, इनको सांस लेने में दिक्कत भी होती है। मान लो कि वीनस आता है कैंसर साइन में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनको घर की बड़ी याद रहती है, होमसिक हो जाते हैं, थोड़े से काइंड होते हैं, थोड़ा सा लिबरल होते हैं, थोड़ा सा लव अफेयर्स इनके अच्छे होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, अपने बच्चों बहुत प्यार करते हैं, इनको माँ से बहुत प्यार मिलता है, इनको सीक्रेट लव रहता है इनका, इनको डिफरेंट बिजनेस करना पसंद होते हैं, शादी में इनको दिक्कत होती है क्योंकि इनके मम्मी पापा की वजह से पैसे वैसे ठीक रहते हैं इनके। अगर वही फिर अफ्लिक्टेड हो जाए तो शादी लेट होती है, फीलिंग्स चेंज हो जाती है कभी कब कभी कब, फिर जो डोमेस्टिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम इनका हो सकता है, ठीक है। और फिर मान लो कि वीनस आते हैं 5th में, जो कि लियो में, अगर वीनस लियो में आता है तो ये लिबरल होते हैं, ये काइंड हार्टेड होते हैं, ये कह सकते हो मैग्नो एनिमस कह सकते हो, बहुत बड़ा दिल होता है इनका, किसी से प्यार कर लेते हैं, प्यार में कुछ भी हद पार करने की कोशिश करते हैं, मतलब प्यार 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 इनके लिए ही रहता है। और ये दूसरे अपोजिट सेक्स मतलब कि मेल या फीमेल को इनको पसंद भी ये करते हैं, इनको अपने सीनियर्स इन गेन करते हैं, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग एफ एन एफ में भी इनका अच्छा रहता है, इन्वेस्टमेंट भी इनका सही रहता है, इनहेरिटेंस भी काफ़ी मिलता है। फिर अगर वही अगर वीनस अगर अफ्लिक्टेड हो 5th में या लियो में, तो कह सकते हैं कि अपने प्यार से बिछड़ जाते हैं, गलत इनका ट्रेडिंग इस समय लॉस हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कि वीनस आता है 6th में या वीनस आता है वर्गो में, मतलब 6th में, ये नहीं कि 6th में वीनस, मतलब मेरा कहना है कि 6 मतलब कि वर्गो में, ये भी हो सकता है कि 6 नंबर यहाँ है, 6 यहाँ है, मतलब वीनस वर्गो में हो तो, अगर वीनस अगर वर्गो में हो तो ऑब्स्टेकल होता है प्यार में, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट से इतना साथ नहीं मिलता, मेडिसिन बहुत खानी पड़ती है, बहुत बीमार पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहता है इनका, ठीक है, और बहुत लोगों से अटैचमेंट रहता है, और सेक्स लव में इनको दिक्कत होती है, इनको एक बार कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। अब मान लो कि वीनस आता है ये लिब्रा साइन में, ठीक है, तो वीनस अगर लिब्रा साइन में होता तो इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है,
वीनस सेकंड मतलब कि टॉरस में, वीनस लिब्रा में, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी स्माइल है ना, म्यूज़िक को पसंद करने वाले, फाइन आर्ट्स पसंद करने वाले, शादी से इनको बहुत फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप से फ़ायदा होता है, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी जाती है। वही अगर अफ्लिक्टेड हो, सही नहीं हो, तो पार्टनरशिप ख़राब हो जाए, डोमेस्टिक लाइफ सही नहीं है, शादी लेट हो जाए, इनको यूरिनरी मतलब यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब वीनस आ जाते हैं स्कॉर्पियो में, ठीक है। तो वीनस स्कॉर्पियो में तो इंडिपेंडेंट होते हैं, प्राउड होते हैं, घमंडी होते हैं, प्यार में इनको हमेशा धोखा मिलता है, शादी भी है इनका सही से नहीं चल पाता है, इनको जेलसी दिक्कत होती है, सोशल फेयर में दिक्कत होती है, इनको हर्निया या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है। अब आते हैं वीनस अगर सेजिटेरियस में, ठीक है, वीनस अगर धनु राशि में, तो ये मतलब कि ये आर्ट्स और रोमांस को पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, अम्यूज़मेंट पसंद है। वही अगर अफ्लिक्टेड हो तो इनको ये फ्लर्टिंग नेचर के होते हैं, इनको प्यार इतना अच्छा से नहीं मिलता, डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इनके हिप्स और थाइस और लेग्स में प्रॉब्लम होते हैं। अब मान लो वीनस आता है कैप्रिकॉन साइन में, ठीक है, तो ये सिकली होते हैं, थोड़े से रिलायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, लॉयल होते हैं लव में, इनको बैंकिंग से बहुत पैसा मिलता है, बिजनेस से बहुत पैसा मिलता है, सुपीरियर से गेन होता है, एल्डर्स एम्प्लॉयर सबसे बेनिफिट होता है, दोस्तों के दोस्त होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक, लेकिन हाँ डोमेस्टिक इनको हैप्पीनेस मिलने बहुत कम परसेंट चांस होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप से इनको लॉस होता है, जेलेसी प्रॉब्लम होती है, घुटनों में इनको प्रॉब्लम होती है, हड्डियों प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, स्किन डिसीज़ हो सकता है। मान लो कि वीनस आ जाता है एक्वेरियस साइन में, तो वीनस अगर एक्वेरियस साइन में आता है तो ये हैंडसम होते हैं, करेजियस होते हैं, क्वाइट होते हैं, चेस्ट होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, दोस्तों से फ़ायदा मिलता है, पार्टनरशिप सही रहता है, पब्लिक इनकी कोई जॉब बहुत अच्छा हो सकता है, या इनको या ये भी कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये दूसरे मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रखना वो पसंद है, रिलेशनशिप में बहुत सिंसियर रहते हैं, डाइवोर्स भी देखा गया, लेट मैरिज भी देखा गया है, लेकिन किस तरह का बिजनेस बैठा है, कौन साइन में बैठा है और फिर क्या डिग्री बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि वीनस बैठा है ट्वेल्थ में, ठीक है, जो कि सो ट्वेल्थ के अराउंड वीनस बैठा है पाइसिस साइन में, तो फ्लैशी होते हैं, सबको प्यार करना पसंद करते हैं ये, बहुत लोगों के हेल्पफुल होते हैं ये, म्यूज़िक इनको पसंद होता है, बहुत आदर करने वाले होते हैं, इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है, ये शांति में रहना पसंद करते हैं, सेक्रीफाइस करना पसंद है। अगर वीनस अगर पाइसिस में सही से नहीं बैठा हो तो बहुत मेहनत करने में पैसा आता है, फ्रॉड करना पड़ सकता है, फ्रॉड होता है इनके साथ, डिसेप्शन होता है, लव सही से चलता है, शादी ब्याह में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इनका पैर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सब था कि वीनस इन डिफरेंट ज़ोडियाक साइन, डिफरेंट ये कह सकते हैं वीनस अगर अलग अलग ये प्लैनेट्स कह सकते हो या ज़ोडियाक कह सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकली कह सकते हो, जब बैठा हो तो कैसे फल, कैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज देता है। सो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्या कर सकते हो, अगेन कमेंट्स करो, तो मैं क्या करूँगा एग्जैक्टली, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हमारी एक अभी चल रही है फ्री कुंडली एनालिसिस, ठीक है, जिसको भी कोई इमरजेंसी है तो वो पूछ सकता है, तो अगर मेरे को लगेगा मतलब इट्स माई चॉइस टू रिप्लाई एंड नॉट रिप्लाई, तो मैं उसको रिप्लाई एंड विल ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशन, आपको रेमेडी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन आपको क्या करना है, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करना है, जीवन में कुछ बिना पैसों के लिए लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना है, ठीक है, और जैसा चले वैसे चलने देना है, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं करना है। सो हैप्पी, जय श्री राम, जय गुरु दत्ता, श्री गुरु दत्ता, जय भैरव भगवान, जय श्री राम, वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय।